दोस्तों, हिंदू मुसलमानों को इस कदर पलीद और नापाक समझते थे कि इतना कुत्ते को भी नापाक और पलीद नहीं समझते थे। वो कुत्ते को तो अपने हाथ से पकड़कर खुद दूध का प्याला पिला देते, लेकिन जिस प्याले में मुसलमान ने दूध पिया होता वो इस प्याले को हाथ भी नहीं लगाते थे। यही वजह थी कि हिंदू और मुसलमान 1000 साल तक इकट्ठे रहे, लेकिन दरिया के दो किनारों की तरह कभी मिल नहीं सके और कायदे आज़म इस तफरीक को भांप गए थे। वो जान चुके थे कि ये दोनों कौमें कभी इकट्ठी नहीं हो सकती, इसीलिए कायदे आज़म ने फरमाया, पाकिस्तान इसी रोज़ वजूद में आ गया था जिस रोज़ पहला शख्स मुसलमान हुआ था। दोस्तों, अब मैं आपको चंद एक छोटे छोटे ऐसे वाक़यात सुनाता हूँ जो कि इस बात के मुंह पर थप्पड़ रसीद करते हैं कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था। दोस्तों, पहले मैं आपको एक गौर तलब बात बताता चलूं कि मुगलिया ख़ानदान का एक बादशाह अकबर आज़म गुजरा है, जो कि है तो मुसलमान था लेकिन वो गैर मुस्लिमों के अकायद को भी अच्छा समझता था और इसी कम अकली की वजह से इसने एक नया ही दीन बना दिया था जिसका नाम दीन इलाही रखा था। इस मज़हब का मकसद तमाम मज़ाहिब वालों को यकजा करना और हम आहंगी पैदा करना था। अकबर के मुताबिक दीन इस्लाम, हिंदू मत, मसीहियत, सिख मज़हब और जरतशत मज़ाहिब के उम्दा और खालिस असूलों को इकट्ठा करके एक नया दीनी तसव्वुर कायम करना था जिससे राया में ना इतफाकियां दूर हों और भाईचारगी कायम हो। मुगलिया ओहद में अकबर आज़म ने हिंदुओं को बड़े बड़े मनसबों और ओहदों पर फायज किया, हिंदू औरतों को हरम में दाखिल किया। इसके बावजूद बंगाली नसाद हिंदू नरादसी चौधरी एक अपनी किताब में लिखता है कि अकबर के बड़े बड़े हिंदू जर्नैल, वुजरा और हुकाम जब इसके दरबार से लौटते तो बगैर नहाए यानी मुस्लिम हुकूमत की गलाजत से अपने आप को पाक किए बगैर खाना खाने के लिए नहीं बैठते थे, क्योंकि एक मुसलमान बादशाह की सोहबत इन्हें नापाक कर देती थी। फिर क्यों कहते हो पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था? अब आगे सुनिए। मार्च 1939 के रोज़नामा इनकलाब में खबर थी कि एक हिंदू सेठ हरदास गुरुदास और इसकी सेठानी ने GIP रेलवे में सेकंड क्लास के 4 बर्थ मखसूस करवाए यानी सीटें मुकर्रर करवाईं। रास्ते में एक स्टेशन पर जगह ना होने पर अमले ने एक मुसलमान मुसाफिर को इस डब्बे में जगह दे दी। ये बात सेठ के लिए नाकाबले कबूल थी। मुसलमान को देखकर इसका पारा चढ़ गया। घर पहुंचकर सेठ ने रेलवे के खिलाफ 5000 रुपये हर्जाने का दावा कर दिया। मुकदमा अदालत में पेश हुआ तो सेठ ने दलील दी कि एक मुसलमान के डब्बे में आ जाने से इनका खाना भुरशित हो गया यानी पलीद हो गया, चुनाचे वो रात भर भूखे रहे। फिर क्यों कहते हो पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था? और सुनाऊं तो सुनो, मुश्ताक अहमद वजदी अपनी स्वानहे उम्री हंगामों में ज़िंदगी में रकम तराज हैं कि ज़िंदगी में रेल का पहला सफ़र किया तो ऐसा तलख सबक मिला कि आज तक नहीं भूला। बनारस जाना था, भाई साहब इंटर का टिकट दिला कर गाड़ी तक पहुंचा गए। डब्बे में दाखिल हुआ तो बैठने को जगह ना थी। इधर उधर निगाह डाली तो एक सीट पर तरकारी की टोकरी रखी हुई थी यानी सब्जियों की टोकरी। बिला सोचे समझे इसको उठाकर नीचे रख दिया और बैठ गया। गाड़ी हिंदुओं से भरी हुई थी, अभी सांस भी लेने नहीं पाया था कि सब मुश्तइल हो गए। जिन बाबा जी की टोकरी थी उन्होंने डांटना शुरू कर दिया और मरने मराने पर उतर आए।
दूसरे मुसाफिर भी इसमें शामिल हो गए। मैंने माजरत की तो आखिर किसी ने बच बचा करवाया और ये फैसला किया कि 8 आने की तरकारी होगी, इसके दाम अदा करो और तरकारी खुद ले जाओ, इसलिए कि एक मुसलमान का हाथ लग जाने से ये तरकारी नापाक और बुरशिट हो गई है। फिर क्यों कहते हो कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था? अब बस सुनते जाओ। मशहूर अदीब मुमताज़ मुफ्ती ने भी ऐसे ही तलख तजर्बे का तज़करा अपने मज़मून राम दीन में किया है कि 1934 के लगभग इनका तबादला गवर्नमेंट स्कूल धर्मशाला में हो गया। मुमताज़ मुफ्ती इस स्कूल के इकलौते मुसलमान उस्ताद थे। एक रोज़ उन्होंने एक तालिब इल्म से कहा कि मुझे एक गिलास पानी दो। लड़का बड़े अदब से सर झुकाए खड़ा रहा। उन्होंने दोबारा कहा तो लड़का बड़े अदब से बोला, मास्टर जी मैं आपको पानी नहीं पिला सकता। मुमताज़ मुफ्ती ने हैरत से पूछा, क्यों? लड़के ने कहा, महाराज मेरा धर्म बुरशिट हो जाएगा, यानी पलीद हो जाएगा। फिर क्यों कहते हो पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था? आस्ट्रेन नसाद नो मुस्लिम मोहम्मद असद अपनी खुद नविश्त बंदा सहराई में लिखते हैं कि 1933 में मोहम्मद असद कोहे हमालिया के दामन में वाकया जोगंदर सिंह रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि यहां से गाड़ी 2 घंटे बाद पठानकोट जाएगी। चुनाचा हम करीबी मानूस बाज़ारों और गलियों में घूमने लगे। इस मटर गश्त के दौरान हमें एक दुकान पर गर्मा गर्म दूध के कड़ाव नज़र आए। इसने हमारी भूख को जगा दिया। हम दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार ने दूध से भरा हुआ लकड़ी का प्याला पकड़ा हुआ था और वो एक आवारा कुत्ते को दूध पिला रहा था। मुझे ये मंज़र दिली तौर पर अच्छा लगा। जब मेरे दोस्त ने इसे पंजाबी में बताया कि हम भी दूध पीना चाहते हैं तो इसने इसी प्याले को जिसमें वो कुत्ते को दूध पिला रहा था पानी से खंगाला और दीवार में बने हुए ताकचे की तरफ इशारा किया। मैंने अपने दोस्त से इशारे का मतलब पूछा तो इसने जवाब दिया कि वो हिंदू है, हम हिंदू नहीं, इसलिए नापाक हैं। वो किसी ऐसे बर्तन को हाथ नहीं लगाएगा जिसमें हम जैसे लोग कुछ पिएंगे। वो चाहता था कि हम खुद ताक से गिलास उठाएं और वो कड़छे से इसमें दूध डालें। ये सुनते ही मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया कि वो अपने हाथ से कुत्ते को दूध पिला रहा था मगर हमें नापाक समझकर बर्तन को हाथ नहीं लगाना चाहता था। मेरे सख्त गुसीले चेहरे और तंदो तेज लहजे को देखकर दुकानदार ने गिलास उठाया। मैंने गिलास इससे छीन लिया, कड़छा लिया, गिलास को लबालब दूध से भरा और इसे दोबारा दूध के कड़ाव में डाल दिया और सारे दूध को नापाक कर दिया। गिलास को दूर फेंकते हुए मैंने जेब से 100 रुपये का नोट निकाला जो पूरे कड़ाव की कीमत से ज़्यादा था। इसे दुकानदार को दे मारा। ज़ात पात और पाको नपाक के हिंदू तसव्वुर का मेरा ये अव्वलीन मुजादला था। फिर क्यों कहते हो पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था? 1857 में पैसा अखबार ने अलबरूनी के ख्यालात की तस्दीक करते हुए कहा कि ज़माना जानता है कि मुसलमान बेचारों को इतनी नफरत और इस कदर गुरेज कभी हिंदुओं से नहीं रहा जिस कदर हिंदुओं को मुसलमान से रहा। हज़ारों शहादतें दे सकता हूं कि अगर मुसलमान का साया भी हिंदू पर पड़ जाए तो गोया वो नापाक हो जाता था। हाथ की पकी हुई चीज़ खाना तो दरकिनार मुसलमानों की छुई हुई चीज़ भी नजस ख्याल करते थे। ज़रा सा मेल जोल रखने या मुसलमानों को अपने घरों में घुसने की इजाज़त देने से भी आर करते थे। फिर क्यों कहते हो पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था?
पक्के कांग्रेसी रहनुमा डॉक्टर अंसारी अपने कांग्रेसी दोस्तों के हवाले से लिखते हैं कि जब बहुत से कांग्रेसी लीडर इनके यहाँ आए तो मेरे बावर्ची खाने से खाना पक कर इनके कमरों में भेज दिया जाता था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सब्जी खोर मेंबरान तमाम खानों को बाल्टियों में भरवा कर अपने खिदमतगारों से जमुना दरिया में बहा देते थे और चोरी से जो खाना चांदी वालों की यहाँ से पका हुआ आता था वो खाते थे। इसी तरह एहरार सलाम के कायद चौधरी अफजल हक लिखते हैं कि हिंदू और सिख हलवाई इस ख्याल से कि मुसलमान का हाथ लगने से वो पलीद ना हो जाएं, मुसलमान ख़रीदारों से अपने हाथ से पैसे भी नहीं लेते थे। इस गरज के लिए वो एक लकड़ी की डोई का इस्तेमाल करते थे। इसका दस्ता खुद हलवाई थाम लेता था और मुसलमान से कहता था कि वो इसके प्याले में पैसे डाल दे। जब मैं इस डोई के प्याले में पैसे डाल रहा था तो बदकिस्मती से दुकानदार को मेरा हाथ लग गया। इससे दुकानदार लाल बबू का सा हो गया और इसने मुझे एक ही सांस में हजारों गालियां सुना डाली। एक साथ के लिए मैं बिल्कुल बोंचका होकर रह गया और बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। ये वाकया इस वक्त रोनुमा हुआ जब मुल्क में कोई भी सियासी या समाजी तहरीक नहीं थी और मुसलमान रोज़मर्रा ऐसी जिल्लतें बर्दाश्त करते रहते थे। ये आम हिंदू ही का मामला ना था, ये तफरीक हिंदुओं के तमाम तबकों में पाई जाती थी। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने 4 मई 1912 को पहली इवनिंग पार्टी रोज़नामा पैसा अखबार के दफ्तर में तरतीब दी जिसमें 19 हिंदू और मुसलमान मुदीरानो जराइद और अखबारात शरीक थे। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम साहिबान उठकर एक बलाई कमरे में चले गए और हिंदुओं और मुसलमानों ने अलैदा अलैदा मेज़ों पर मिठाई मेवाजात और दीगर अशिया खुर्दनोश का लुत्फ उठाया। इस जमन में सबसे दिलचस्प वो इश्तहार है जो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार टीबी करेक्वेन ने हाई कोर्ट के अहाते में चंद दुकानें किराया पर देने के सिलसिले में 9 अप्रैल 1935 को शाया करवाया था। इन दुकानों में हिंदू हलवाई और मुसलमान हलवाई के लिए अलैदा अलैदा टेंडर तलब किए गए थे। हिंदुओं और मुसलमानों में ये तफरीक शुरू से थी और हमेशा रही। दर हकीकत हिंदुआना तासुब ही था जिसने मुतालबा पाकिस्तान और क्याम पाकिस्तान की राह हमवार की। ये तासुब क्याम पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हो गया बल्कि ताहाल हिंदुस्तान में नुमाया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा तारीख के उस्ताद प्रोफेसर मोहम्मद असलम ने 1995 में यानी कि पाकिस्तान बनने के कई साल बाद अपना सफ़रनामा हिंद तहरीर किया और इसमें लिखा कि मुझे मिंटमार से औरंगाबाद जाना था इसलिए यहीं उतर गया। ट्रेन के आने में अभी 3 घंटे बाकी थे। दिन भर के सफ़र ने मुझे यूं भी थका दिया था। मैं रात का खाना तनावल करने रेलवे रेस्टोरेंट में गया। इत्तफाक से एक मुसाफिर जो ट्रेन में मेरे बराबर वाली सीट पर सफ़र कर चुका था वहाँ मौजूद था। मैंने वेजिटेरियन खाने का आर्डर दिया, इसने भी खाना मंगवाया। हम आमने सामने मेज़ पर बैठ गए थे। इसने अपनी हथेली पर एक गिलास से पानी डाला और इसे अपने मेज़ पर इस अंदाज से छिड़का कि इसके और मेरे दरमियान पानी की दीवार हायल हो गई हो। इस तरह वो एक मुसलमान के मासूम असरात से अपने खाने को महफूज करने में कामयाब हो गया। तारीखी नज़रियात में एक तस्वुर ये भी है कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान खाने की मेज़ की ये लकीर ही आखिरकार बाद अज़ां सरहद का रूप धार गई।
जब तक ये रवैये और तासुबात रहेंगे सरहदें बनती रहेंगी। मशहूर हिंदू इनकलाबी रहनुमा एम एन राय ने अपनी किताब इस्लाम का तारीखी करदार में लिखा है कि दुनिया का कोई मजहब माशरा तारीख़ इस्लाम से इतना नावाकिफ नहीं और दीन मुहम्मद से इतना मुतनफ़र नहीं जितना हिंदू माशरा है। हमारे कौमी नुक्ता नज़र का नुमाया तरीन रवैया धर्मी इस्तामार है और ये रवैया जिस कदर दीन मुहम्मदी के ज़मन में घनौना है इस कदर किसी और दीन के बारे में नहीं। अछूत रहनुमा डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि मुसलमान हिंदुस्तान में हक़ इनफरादियत और तशख़्स के लिए कोशां रहे। प्रोफेसर बारकर का ख्याल है कि ये मुमकिन है कि कौम ज़ात से ना आगही और गफलत के आलम में सदियां बसर कर दें, इनके अफराद को शऊर ही मयसर ना हो कि इनकी एक रूहानी कौमी असास है। मुसलमानों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो गाफिल भी रहे और इस अमर से कि इनकी एक रूहानी कौमी असास हमेशा मौजूद रही है, यही बाइस है कि उन्होंने अपना हक़ कौमियत भी देर के बाद जताया। लेकिन इस देर से आगाही का मतलब ये नहीं कि वो एक रूहानी असास रखने वाली कौम की सूरत में कोई वजूद नहीं रखते थे। हिंदुओं ने फितरी तासुब से बर्रे सगीर में मुसलमानों की अना मजहबियत और समाजी रवैयों पर जद लगा लगा कर इन्हें जगाया और जब मुसलमान बेदार हुए और इन्हें कायद आज़म जैसा रहनुमा मिला, वो बर्रे सगीर में जिसमें पहले हिंदू पानी और मुस्लिम पानी, हिंदू मोहल्ला और मुस्लिम मोहल्ला, हिंदू शहर और मुस्लिम शहर और फिर हिंदू सूबा और मुस्लिम सूबा नमूदार हुआ, वहाँ हिंदू मुल्क और मुसलमान मुल्क का क़याम तारीखी इर्तका ही का नतीजा है। हिंदू तासब की छोटी छोटी लकीरों ने मिलकर एक बड़ी सरहद कायम कर दी और यूँ हिंदुओं का हिंदुस्तान, मुसलमानों का पाकिस्तान वजूद में आ गया। और हाँ, अब कभी ना कहना कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था।